A very warm and beautiful good morning to my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. We have completed chapter number 13. Chapter number 14 is a poem. It is only for reading. And today we are going to start chapter number 15, that is about hockey legend मेजर ध्यानचंद. मेजर ध्यानचंद के बारे में है बेटा ये, जो कि हॉकी के लिए जाने जाते हैं. तो आपने नाम भी सुन रखा होगा बेटा इनका, तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे. इनके बारे में चैप्टर है, लिसन केयरफुली, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके बेटा, दिस इज़ द योर चैप्टर नेम. डू यू नो दीज पर स्पोर्ट पर्सन, देयर नेम इज लीगेंडरी इन देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स. फाइंड आउट अबाउट them and discuss in class. आप इन स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जानते हैं बेटा. दिस इज सुनील गावस्कर, दिस इज गोपी चंद एंड दिस इज दारा सिंह. यू हैव टू फाइंड आउट इन विच स्पोर्ट दे रिलेट टू. ये किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं आप ये खुद से फाइंड आउट करेंगे और अपनी नोटबुक अपनी बुक में सॉरी यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे. ओके ओके, लेट अस स्टार्ट. मेजर ध्यानचंद वॉज अ की इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ हिज टाइम्स. कि मेजर ध्यानचंद जो थे अपने टाइम के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर माने जाते हैं. हु सेट एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड्स इन द गेम. जिन्होंने गेम्स में एग्जाम्पल देने वाले रिकॉर्ड, जो कि ऐसे रिकॉर्ड जो कि कोई भी नहीं बना पाया था, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए थे. ही बिलोंग टू द एरा विच द इंडियन हॉकी टीम वॉज ए डोमिनेंट लीग ऑन द वर्ल्ड स्नैरियो. ये उस टाइम की से बिलोंग करते हैं, उस एरा से बिलोंग करते हैं जब इंडियन हॉकी टीम जो थी वो वर्ल्ड सिनेरियो में उसका नाम बहुत ज़्यादा था. वो एक टीम के रूप में, टीम के लिए जानी जाती थी कि हाँ भी ये भी कोई टीम है, ये भी बहुत अच्छी सी टीम है जो कि हॉकी का हॉकी जो अपने देश को हॉकी के स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रही है. ध्यानचंद इज अ मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग फीट्स, एस्पेशली हिज अर्निंग ऑफ 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स फॉर हिज टीम इन द फील्ड ऑफ हॉकी. ध्यानचंद जो थे वो हमेशा याद किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, अपने जो गोल स्कोर करने के जो काम था उनका, वो बहुत जल्दी से गोल करते थे, स्कोर करते थे. उनके नाम बहुत सारे गोल हैं जो कि फुटबॉल में सॉरी हॉकी में किए जाते थे. तो अक्सर उन्होंने ऐसे गोल करते थे कि जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था और वो कर देते थे. और उन्होंने क्या किया इसके साथ साथ, स्पेशल उनको किस लिए याद किया जाता है, उन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते थे हॉकी के फील्ड में. टुडे मेजर ध्यानचंद इज रिवेंटली नोन एज द फादर ऑफ हॉकी इन इंडिया. अब इनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ, रिवेंटली का मतलब है विद ग्रेट रिस्पेक्ट, इनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ फादर ऑफ हॉकी बोला जाता है कि ये हॉकी के जन्मदाता हैं भारत में, इंडिया में. ध्यान अब इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. ध्यानचंद वाज बोर्न इन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इन ए राजपूत फैमिली ऑन 29th of August. कि ध्यानचंद जो थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में राजपूत फैमिली में 29 अगस्त को बोर्न हुए थे. ध्यानचंद हैड नो सीरियस इंक्लिनेशन टुवार्ड स्पोर्ट्स. कि उनका स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, दो ही लव रेसलिंग, क्योंकि उनको रेसलिंग करना ज़्यादा पसंद था. He did not play much hockey before he joined the Indian Army at the age of 16 in 1922. उन्होंने तब तक ज़्यादा हॉकी नहीं खेली थी जब तक कि वो इंडियन आर्मी में 16 की एज में 1922 में वो इंडियन आर्मी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था. ही इंडल्ज इन स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड्स इन झांसी. वो कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ झांसी में हॉकी खेल लिया करते थे. इन द आर्मी सूबेदार मेजर बाले तिवारी नोटिस स्किल. आर्मी में सूबेदार थे मेजर बाले तिवारी, उन्होंने उनकी स्किल्स को नोटिस किया कि ये हॉकी बहुत अच्छा खेलते हैं. ही बिकेम इज मेंटर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज गेम. वो उनके मेंटर बने. मेंटर कौन होते हैं, जो कि एक पर्सन को उसकी स्किल्स में हेल्प करता है, मतलब उसको सिखाने में हेल्प करता है. बिटवीन 1922 एंड 1926 ध्यानचंद प्लेड एट आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स एट इज रेजिमेंट लेवल. कि 1922 से 1926 के बीच में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए हॉकी टूर्नामेंट्स खेले थे रेजिमेंट लेवल पे, मतलब जिस फौज में वो थे, जिस आर्मी में थे
उनके लेवल के उन्होंने टूर्नामेंट खेले थे। देर आर मैनी इंसिडेंट दैट डिस्क्राइब द ग्रैंड्योर ऑफ ध्यानचंद अमेजिंग स्किल्स एज ए वंडरफुल हॉकी प्लेयर। कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनसे उनकी ग्रेटनेस का पता चलता है कि वो कितने अच्छे हॉकी प्लेयर थे, कितने अमेजिंग वंडरफुल हॉकी प्लेयर थे। इन वन ऑफ देम ही स्कोर्ड 3 goals इन लास्ट 4 minutes ऑफ द मैच वेयर इज हिज टीम वॉज लॉसिंग बाय 2 goals एंड मेड हिज टीम विक्टोरियस। कि सबसे ज़्यादा उनको किसे ले जाना जाता है, उन्होंने 3 goal किए थे लास्ट के 4 minutes में, जिस टाइम पे उनकी टीम जो थी वो 2 goal से हार रही थी, और उन्होंने लास्ट के 4 minutes बच रहे थे मैच ख़त्म होने में, और तभी उन्होंने 3 goal कर लिए थे, तो उनकी टीम उससे जीत गई थी। दिस वॉज द फाइनल मैच ऑफ द पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट इन झेलम। ये उनका फाइनल मैच था, पंजाब में टूर्नामेंट हो रहे थे झेलम में। आफ्टर दिस मैच ध्यानचंद वॉज नेम द हॉकी विजार्ड। इसके बाद उनको नाम हॉकी विजार्ड के नाम से जाना जाने लगा, उनको ऐसा जाने लगा कि हॉकी उनके जैसा कोई खेल ही नहीं सकता। वह एक अमेजिंग पर्सनैलिटी थे, बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। होप यू अंडरस्टूड दिस बेटा, आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये जो आपका यहाँ तक पढ़ाया है, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको 10 difficult words फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होमवर्क है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट 10 difficult words एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ देम। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।